अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में दोस्तों टेकोमा प्लांट के बारे में बात करूंगा। टेकोमा प्लांट जो होता है दोस्तों, ये परमानेंट प्लांट होता है, पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है और टाइम टू टाइम इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। तो इसी के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो पे बने रहिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये फ्लावर 4-5 डिफरेंट कलर्स में आता है दोस्तों, और सभी फ्लावर बड़े ही प्यारे लगता है, ऑरेंज, येलो, और ये देख लीजिए, ये लाइट पर्पल या पिंक कह लीजिए इसको। तो टेकोमा के फ्लावर्स बड़े ही प्यारे लगते हैं, और अगर आप इसको थोड़े से बड़े साइज के गमले में लगा देते हैं तो आपका यकीन कीजिए दोस्तों, पूरे फूलों से भर जाएगा प्लांट। 4 किस्म का तो टेकोमा फ्लावर मेरे पास मौजूद है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो कटिंग से प्रोपेगेट किया जाता है इसको। कटिंग लगाने के लिए सही टाइम जो है वो फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसकी कटिंग आप लगाएं। स्टेम कटिंग पेंसिल साइज़ या थोड़ी सी कम, आसानी से लग जाता है दोस्तों। सादी मिट्टी में लगाएं, कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, साई वाली जगह पर रखेंगे तो लग जाएगी कटिंग। सबसे पहले दोस्तों ये कि ये सनलाइट का प्लांट है, पूरे सीधे धूप में आप इसको रखेंगे, जिधर भी रखें सनलाइट कम से कम 4-5 घंटे इसको मिले। अभी विंटर जनवरी चल रहा है, विंटर सीजन, तो अभी तो आप पूरे सनलाइट में इसको रख दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। और जब आप देखेंगे इसके सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं और खिलने के बाद मुरझा चुके हैं, सूख चुके हैं, तो आप इसके तकरीबन एक एक बालिश सारे ब्रांचेस के कटिंग कर दें। कटिंग सॉफ्ट प्रूनिंग किया करें दोस्तों इस प्लांट की, तो आप थोड़ा घना बना रहेगा। हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, हार्ड प्रूनिंग दोस्तों जून जुलाई में कीजिएगा। तो एक तो ये कि सनलाइट सन लविंग प्लांट है, किसी किस्म का इंडोर प्लांट, शायद साए वाली जगह पे इसको हरगिज़ ना रखें, सीधे धूप में रखेंगे आप। और सन के बाद दोस्तों गमले के साइज़ को बताऊं तो गमले के साइज़ थोड़े से बड़े साइज़ के गमले लेना है इसके लिए। अगर आप ज़मीन में अपने ग्राउंड में लगा रहे हैं ज़मीन में तो कोई मसला नहीं है, ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ सनलाइट इसको खूब मिले। हम लोग गमले में दोस्तों पौधे लगाते हैं तो एनर्जी इसके लिमिटेड होता है गमले में, टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइज किया जाता है, करना पड़ती है। तो गमले का साइज़ कम से कम आप 12 से 15 इंच लेंगे, इस प्लांट को लगाएंगे बड़े साइज़ के गमले में लगाएंगे, जब भी फ्लावरिंग अच्छे से फ्लावरिंग करेगा ये। और पानी की बात करें तो ज़्यादा पानी डालने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। जब आप देखेंगे ऊपर गमले की मिट्टी की सतह खुश्क होने जा रही है जब पानी डालेंगे आप, एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए इसको। और गमले के नीचे ड्रेनेज होल लाजमी होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। सबसे अहम काम दोस्तों मिट्टी बन तैयार करना इसकी, इसको कंपोस्ट खाद ज़्यादा चाहिए थोड़ी, तो 40% खाद आपको मिलानी है, नसीब वाले तो 50% मिलाते हैं, तो मैं आपको कम बताया शु कि 40% आपको खाद कंपोस्ट ले लेनी है, जो सभी खाद फर्टिलाइजर आप यूज़ करते हो, और 20% सेंड और 40% मिट्टी, तो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल तैयार होगा दोस्तों। इसी मीडियम में आप अपने परमानेंट प्लांट को लगाएंगे तो फ्लावरिंग देखेंगे इतने सारे होंगे कि आप फूल गिनते रहेंगे। अभी तो विंटर है, थोड़ी बहुत फ्लावरिंग फिर भी कर रहा है ये प्लांट। टेकोमा के और भी कलर्स मेरे पास मौजूद हैं मेरे चैनल पे वीडियोस, तो वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बताया कि बड़े साइज़ के थोड़े गमले में लगाएं इसको, और पानी का भी खास ख्याल रखें, खासतौर पर सुबह के टाइम, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा देनी होती है इस प्लांट को। दोस्तों कीड़े मकोड़े की बात करूँ तो इतना खास, मिली बग ही ज़्यादातर अटैक करता है और एफिड्स, तो नीम ऑयल का इस पर क्या कहें, केमिकल पेस्टिसाइड आजकल बहुत सारे मार्केट में है, तो कोई सभी क्या कहें,
ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।